नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे वजन बढ़ाने और कम करने की एक सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ा वहन मेरे हिसाब से जो लोगों के अंदर है कि मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा। इस चीज़ को खाने से वज़न कम होता है, उस चीज़ को खाने से वज़न बढ़ता है। कोई एक चीज़ खाने से हमारा वज़न कम होता है, कोई एक चीज़ खाने से हमारा वज़न बढ़ता है। ये जो लोगों के दिमाग में है ये एक वहम है, ऐसा नहीं है। कोई एक चीज़ खाने से आपका वज़न बढ़ेगा या कोई एक चीज़ खाने से आपका वज़न कम होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस के वज़न बढ़ाओ या घटाओ कोई एक चीज़ खाते हुए, ऐसा नहीं है। आप कोई एक मतलब ये चीज़ खाऊंगा तो वज़न कम हो जाए, ऐसा नहीं है। तो वज़न बढ़ेगा कम होगा कैसे? मेंटेनेंस कैलोरी, वो उतनी कैलोरी जितने पे आपका वज़न जितना है उतना ही रहता है, उससे कम खाओगे तो आपका वज़न कम होगा, उससे ज़्यादा खाओगे, उससे ज़्यादा कैलोरी खाओगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, उससे कम कैलोरी खाओगे तो आपका वज़न कम होगा। वज़न बढ़ने और कम होने की कहानी ख़त्म हो गई। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है उसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में बात कर रखी है। वज़न किससे बढ़ेगा किससे कम होगा, इसके जो सबसे बड़े गुनहगार हैं उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रीन टी, अभी भारत में बहुत ज़्यादा आपने शायद नाम सुन लिया होगा, ग्रीन टी पीने से वज़न कम होता है। ग्रीन टी मतलब कई लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, वो क्या करते हैं दिन में 3 बार ग्रीन टी पीने लग जाते हैं और वो सोचते हैं अब हमारा वज़न कम हो जाएगा, और बाकी सब कुछ वैसे ही है जो भी वो खा रहे थे या जो भी वो कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ग्रीन टी अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपके शरीर की सेहत के लिए अच्छा है, लंबे टाइम के लिए अच्छा है, अच्छी बात है। ग्रीन टी ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कैलोरी जैसे 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ टी कैलोरी ग्रीन टी आपके शरीर में खर्च करने में आपको मदद करती है, लेकिन आप 50, 60, 70, 80, 90, 100 कैलोरी खर्च करके कोई आप ऐसे महीने में 3-4 किलो वजन कम नहीं कर पाओगे। रोज की इतनी कैलोरी भी खर्च करोगे अगर आप, तो मतलब एक तरीके से ग्रीन टी पीने से आपका वजन कम नहीं हो रहा है। फिर नट्स अखरोट खाने से वज़न बढ़ता है, नहीं बादाम खाने से वज़न बढ़ता है, काजू खाने से वज़न बढ़ता है, पिस्ता खाने से वज़न बढ़ता है, नहीं इनमें फैट होता है इनसे वज़न बढ़ता है, फैट इनमें होता है सच है, लेकिन इन्हें खाने से वज़न बढ़ता है ये सच नहीं है। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ता है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाने से वज़न कम होता है। आटा रोटी खाने से वज़न बढ़ता है, रोटी खाने से शरीर में फैट बढ़ता है, गलत है। पनीर खाने से, पनीर में बहुत फैट होता है, पनीर से वज़न बढ़ता है, गलत है। दूध पीने से वज़न बढ़ता है, गलत है। मलाई नहीं खाऊँगा मैं, मलाई खाने से वज़न बढ़ता है, गलत है। घी तो बहुत ज़्यादा, घी और बटर ये तो पूरी चिकनाई है, इन्हें खाने से वज़न बढ़ता है, गलत है। एक आदमी को घी या मक्खन जो भी है अपने खाने में रखना चाहिए, या दूध की मलाई, इन सब चीज़ों के हमारे शरीर में कुछ कुछ अपने काम हैं जो हमें एकदम से अपने खाने से हटा देना, तो और उनकी पूर्ति हम कहीं और से कर नहीं रहे, हमने तो सिर्फ इन्हें हटा दिया क्योंकि हमें लगा था इनसे वज़न कम हो रहा है तो हमें हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो जब कुछ भी खाने से वज़न कम नहीं होता और कुछ भी खाने से वज़न बढ़ता नहीं है, तो और सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाने से वज़न कम होता है, तो क्यों ना मैं जो भी खा रहा हूँ उसका आधा कर दूँ और उस आधे में भी जो भी मेरा मन में है खाऊँ, मेरा वज़न कम होता जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले बात कर रखी क्रैश डाइटिंग वाले वीडियो में, ऐसे कुछ भी खाने लग जाओ ये आपके शरीर को नुकसान कर सकता है, वज़न आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपने कम कैलोरी खानी चालू कर दी मेंटेनेंस कैलोरी से, लेकिन वो कम कैलोरी आपके शरीर को पूरा पोषण दे नहीं दे ये पता नहीं है ना। हमने ध्यान से अगर हमने देख देख करके बनाया होता कि ये चीज़ें हमारे शरीर को पूरा पोषण देंगी, हमारे शरीर को जितनी रोज़ के पोषण की ज़रूरत है वो देंगी, तो हमें ये इतना इतना खाना है, तब तो हमें पता होता, हमें ऐसे तो पता नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ भी कम खाने लग जाओ कि वज़न तो कम खाने से कम होता है तो कम खाने लग जाओ, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो फिर
इसका मतलब क्या, तो मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं? देखो खाने क्या है, खाना ज़्यादा खाने से वज़न कम होता है, कम खाने से वज़न कम घटता है, हमें पता चल गया। लेकिन खाने का वज़न कम करने में मदद कर सकता है हमारी। मैं वज़न बढ़ाने की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वज़न बढ़ाने में लोग ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, उसमें भी वो कोशिश ये करेंगे कि वो ज़्यादा हेल्दी चीज़ें लें तो उनका वज़न बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आज के टाइम में वो है वज़न कम करने की, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। वज़न बढ़ाने की इतनी तकलीफ़ नहीं है, बहुत लोगों को बढ़ाने, लेकिन वो अपने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर पूरा रखेंगे अगर अपने खाने में, तो और कैलोरी सरप्लस में रहेंगे तो उनका वज़न बढ़ता रहेगा। कैलोरी सरप्लस क्या होता है, पुराने वीडियो बात करें, कुछ भी अगर मेरे इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो मेरे पुराने वीडियोज जा करके देख लो या सर्च कर लो, उनमें मैंने लगभग हर चीज़ की पहले बात कर रखी है जो मैं अब बोल रहा हूँ इस वीडियो में, और ऐसा हर वीडियो में, मैं किसी भी वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ मैं पुराने वीडियो में बोल चुका हूँ उसके बारे में, उसमें हर चीज़ की मैंने पुराने वीडियो में बात कर रखी है जितना मुझे याद है। तो वजन कम करने में हमारा खाना मदद कर सकते हैं, कैसे? मतलब कहने का मतलब है कुछ भी मत खाने लग जाओ, थोड़ा खाना है तो कुछ भी खाया लेकिन थोड़ा खाया तो वजन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा लेकिन वो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। तो वजन, तो हमें क्या खाना चाहिए और कैसे वो हमारी मदद कर सकते हैं? वो मदद हमारी ऐसे कर सकते हैं कि हर खाने की चीज़ का, पपीता है, सेब है, अंगूर है, तीनों का हमारे शरीर पे एक अलग तरीके का प्रभाव होता है। हर खाने की चीज़ का हमारे शरीर पे एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। जो सेब से आपको मिल रहा है वो अखरोट से नहीं मिल रहा, जो अखरोट से मिल रहा है वो दूध से नहीं मिल रहा, जो दूध से मिल रहा है वो आटे से नहीं मिल रहा, जिससे जिसकी हम फल का खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे नहीं मिल रहा। तो जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण दे देता हूँ जिससे आपको समझ आए कि खाना हमारी मदद कैसे कर सकता है। जैसे खाने में अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन अपने आप को पचाने के लिए ज़्यादा कैलोरी खर्च करता है। मान लो आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो 100 ग्राम प्रोटीन में 400 कैलोरी होती है। ये 400 कैलोरी लगभग अपने आप को पचाने में ही लगभग ये समझ लो 80 से लेकर के 140 कैलोरी ये खर्च कर देगी। तो एक तरीके से अगर आप ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खाओगे तो आपकी जो कैलोरी आप खा रहे हो उनमें से ज़्यादा खर्च होगी, क्योंकि वो प्रोटीन खुद को पचाने में ज़्यादा कैलोरी खर्च कर लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, मूला, ये सरसों हो गया, और भी जो भी हरी सब्जियाँ हैं, ये जो कुछ हरी सब्जियाँ होंगी, कुछ हरी सब्जियाँ नहीं, जैसे हरी सब्जियाँ होंगी या कोई भी वेजिटेबल होगा, उनमें क्या है, कुछ कुछ मतलब काफ़ी वेजिटेबल में ऐसा होता है, खास करके हरी सब्जियों में, हरी पत्ते की सब्जियों में, कि कैलोरी बहुत कम है और उसमें हमें जो हमारे शरीर को पोषण चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हम कम कैलोरी खा के बहुत ज़्यादा पोषण मिल रहा है, तो हमारा वजन कम करने में मदद करेगा, क्योंकि हम वजन कम करते हैं वैसे ही कम खाना खा रहे हैं और हमें पोषण पूरा देना है, तो हमारी वजन कम करने में मदद करेगा ना। जैसे 100 ग्राम पालक में मेरे ख्याल से 23 कैलोरी होती है, 200 ग्राम पालक खा लो अगर तुम तो तुम्हारी 45 कैलोरी हुई, और तुम्हें पोषण वो बहुत ज़्यादा देती है उसके बदले में, तो ऐसे वो हमारी मदद कर रहा है। कुछ खाने की चीज़ होती है जो हमारा पेट भर के रखती है, ऐसा आमतौर पर आपको जैसे फाइबर होता है, खाने में ज़्यादा फाइबर होता है तो आपको पेट भरा भरा महसूस कराता है, आपको जो लेटरिन आती है वो ढंग से लगती है, आपको कब्जी की बीमारी नहीं होती, ये सब फाइबर के फायदे हैं। तो खाने की वो चीज़ें जिनमें फाइबर ज़्यादा है उनसे आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो आपको भूख कम लगेगी, और आप खाना कम खा रहे हो और आपको भूख कम लग रही है क्योंकि आपके खाने में फाइबर ज़्यादा है, तो आप परेशान नहीं होंगे भूख लगने के कारण। तो वो चीज़ें जिनमें फाइबर ज़्यादा है वो आपका वजन कम करने में मदद करेगी। कुछ चीज़ें होती है जो नेचुरली आपको पेट भरा भरा रखती है, कहने का मतलब है कि उनमें फाइबर हो सकता है ज़्यादा हो सकता है थोड़ा कम भी हो, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनके खाने का असर ही हमारे शरीर पे कुछ ऐसा होता है, जैसे कि नट्स, नट्स मतलब काजू बादाम पिस्ता अखरोट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या हमारा पेट भरा भरा हमें महसूस कराती हैं। अब कोई कहे कि भाई मैंने 10-12 बादाम खाए थे, उसमें 100 कैलोरी थी और इतना इतना फाइबर था, तो उसमें इतना फाइबर था इसलिए मेरा पेट भरा भरा मेरे को महसूस हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि 100 कैलोरी के लिए आप 25 ग्राम चीनी पानी में घोलो और पी जाओ, और
उतने ही फाइबर के लिए आप इस सब को लाते हो एक बाजार में, आपको कोई भी मेडिकल की दुकान पे मिल जाएगा, उसको एक दो चम्मच लो पानी में घोलो और पी जाओ। फाइबर की कैलोरी हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होती तो हम उन्हें गिनेंगे नहीं, तो इस सब गुल की कैलोरी हम गिनेंगे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस सब गुल और चीनी से भी आपको उतना ही फाइबर और उतनी कैलोरी मिली, और वही 10 से 12 बादाम से भी आपको उतनी मिली है, लेकिन आप बादाम में ज़्यादा पेट भरा भरा महसूस करने लग जाओगे। ये कुछ कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनका अपने शरीर पे कुछ कुछ तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम बादाम खाने से मोटे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपको बाकी चीज़ों में भूख कम लगेगी तो आपका वजन उतना उतना ही रहेगा, और रिसर्च भी यही कहती है। तो इस तरीके से खाने की चीज़ें जो है हमारा वजन बढ़ाने या घटाने में मदद कर सकती है, मैं घटाने की बात कर रहा हूँ, ये मदद कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खाने से वजन कम होगा, वो मदद कर सकती है हमारी। अब जब मेरे को इतना सब पता चल गया तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खाने लग जाऊँ ताकि प्रोटीन खुद को डाइजेस्ट करने में, मतलब खुद को पचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर दे, या मैं सिर्फ हरी सब्जियाँ खाने लग जाऊँ, या फिर मैं सिर्फ अखरोट बादाम खाने लग जाऊँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में कह दिया अखरोट बादाम है, या मैं सिर्फ घी खाने लग गया, या मैं सिर्फ फाइबर की चीज़ें खाने लग गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें परेशान नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना कि हमें ये खाना है वो खाना है, जो हमें करना है वो ये है कि जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाना खाते हैं उस खाने में थोड़ा थोड़ा सा समझ लो तोड़ मड़ोड़ करके, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ के, कुछ चीज़ें थोड़ी कम करके हम उसे ऐसा बनाएं कि जितनी कैलोरी हमें खानी है वजन कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उतनी कैलोरी में हमें पूरे विटामिन मिनरल फाइबर प्रोटीन जितना चाहिए शरीर को, कार्बोहाइड्रेट फैट जितने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट जितने चाहिए, उनकी रोज की पूर्ति होती जाए, और उस खाने को हम लंबे टाइम तक बिना परेशान हुए खा सके, हमें ऐसा करने की कोशिश करनी है, ना कि हमें इन सब चीज़ों के लिए परेशान होंगे। तो सिर्फ समझने के लिए था, करना है वो ये है कि हमें एक ऐसा खाने, मतलब ऐसा डाइट प्लान बनाना है, हमें ऐसे खाने का तरीका अपने लिए बनाना है जिसमें हम जो रोज खाते हैं उस तरीके की चीज़ें हम खाते रहे, जो हमारे पूर्वज खाते आए हैं उस तरीके की चीज़ें हम खाते रहे, उनमें थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करके, कुछ कुछ उनमें तोड़ मरोड़ करके, उनमें कुछ जोड़ के, उनमें से कुछ हटा करके हम उसे ऐसा बनाए उतनी कैलोरी में जितनी हमें खानी है वजन कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि हमारी जितनी भी पोषण की जरूरत है ना, प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट फाइबर जितनी भी हमारे शरीर को पोषण जिस भी तरीके से वो हमें पूरा मिले, ये समझाने के लिए। तो ये बहुत बड़े लोगों के अंदर जो भ्रांति है, जो बहुत बड़ा वहम है कि ये खाने से वजन कम होगा और ये खाने से वजन बढ़ेगा, ये तोड़ने के लिए था। अगर आप ऐसे किसी को जानते हो, मेरे ख्याल से आप ऐसे बहुत जन को जानते होंगे जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से ऐसे सोचते थे, आप ऐसे किसी को जानते हो जो ऐसा सोचता है तो उसके साथ में ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ कहना है तो कमेंट में लिखो, अगर आप चाहते हो मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो नोटिफिकेशन चालू करो, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना। मैं तुमसे अगली वीडियो मिलूंगा, बाय बाय।